इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये u इनटू v का जो फॉर्मूला है, हाँ u इनटू v का सभी विद्यार्थी को जो टीचर ने को जो बोल रहे हैं थैंक यू बोल रहे हैं, और उसी को जो चीज है ना आज हम उसी को जो है ये टीचर डे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट बता रहे हैं। चलिए तो थोड़ा सा देखिएगा, और ये जो है ना u इनटू v का फॉर्मूला को यूज करने से पहले ठीक है आई लेट का यूज करेंगे, आई लेट ठीक है, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, ई से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये सवाल क्या आता है जरा सुनिएगा, ये सवाल आता है कि ये जो u इनटू v का ये फॉर्मूला है, हाँ चले ठीक है, u इनटू v का जो देख रहे हैं फॉर्मूला, u इनटू v का फॉर्मूला जो यूज करेंगे उससे पहले यूज करने से पहले ये फॉर्मूला को हम देखेंगे, ये जो लिखा है आई लेट इसी को यूज करना है इस फॉर्मूला में, यदि इस फॉर्मूला को सेट तभी करेंगे जब इस टॉपिक के आधार पर सेट करेंगे आई लेट के आधार पर, लेकिन वो कैसे जरा देखिएगा। तो सबसे पहले एक चीज तो पता ही होगा ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको बोलते हैं log x, log 2x, log 3x और इसी प्रकार से अलजेब्रिक फंक्शन x, x स्क्वायर, x क्यूब क्लियर, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin, cos, tan, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x, e के पावर हाँ ये जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर का पोजीशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin का, लॉगरिथमिक फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन x, x स्क्वायर और लॉगरिथमिक log x इनवर्स का sin का cos का tan का क्लियर। अब सवाल है कि इसका यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से देखिएगा सभी विद्यार्थी देखिएगा, इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले इस आईलेट का ध्यान रखना होगा, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से कैसे इसका टर्म बनाते हैं। तो पहले बताइएगा x जो है अलजेब्रिक है और sin जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, x मेरा अलजेब्रिक है और sin क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो जो अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो पहले कौन आ रहा आईलेट में, फर्स्ट कंडीशन में कौन आ रहा, पहले तो अलजेब्रिक आ रहा उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा, तो जो पहले आएगा आईलेट के द्वारा उसको u माने, क्या माने उसको u मान लेंगे। तो जरा देखिएगा यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो पार्ट आईलेट के माध्यम से जो पहले आएगा उसी को u मानना है, यहाँ पे अलजेब्रिक का पार्ट को u मान लिया और इसको क्या मान लिए v मान लिए u इनटू v। अब जरा देखेंगे u इनटू v का फॉर्मूला जरा देखिएगा, u v है तो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो u मेरा कितना हो गया x, v हो गया sin x dx माइनस देखिएगा u हो गया कितना, u हो गया x और जो v हो गया क्या sin x इनटू dx। देख लीजिएगा ये फॉर्मूला को मैंने सेट किया है, थोड़ा ध्यान रहा है u इनटू v का कि u माने x को और v माने क्या sin x को, क्योंकि u है अलजेब्रिक और अलजेब्रिक पहले आता है ठीक है ना, और v है sin, यहां पे sin x जो बाद में आता है, तो जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, इसके सहायता से पहले आएगा, ये नहीं देखेंगे कि पहले लिखा हुआ तो उसी को u मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले sin भी लिखा रह सकता है बाद में x भी लिखा रह सकता है, तो जो इसके सहायता से आईलेट के सहायता से जो आएगा पहले उसी को मानेंगे, इस लेटर से जो पहले आएगा उसी को मानेंगे क्या u मानेंगे और उसके बाद क्या मानेंगे v मानेंगे, अगर मान लिया sin आगे रहता ये पीछे रहता तो फिर भी x को ही u मानते हैं और sin x को ही क्या मानते v मानते हैं, और ये फॉर्मूला पर यहां पे सेट कर देते हैं। तो आप जरा देखिएगा इसका हम सेट कैसे करेंगे फॉर्मूला में, कि x x है sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, माइनस cos होता है, सिर्फ cos होता है, c
cos होता है, sin का integration cos होता है, sin का जो है, sin का integration cos होता है, मान cos होता है, थोड़ा बताइएगा सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी थोड़ा सा बताएंगे, याद है, चलिए, sin का integration minus cos x, ठीक है, अब इसके बाद जब देखिएगा, ये जो है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ सभी विद्यार्थी को याद है, और sin का integration minus cos, यहाँ पे minus cos x, और ये वाला dx रह गया, तो ये minus minus क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर, और minus minus प्लस आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे cos x, अब फिर देखिए, और cos का integration, तो cos का integration क्या हो जाएगा, ये minus x रह जाएगी और cos का integration क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है, very good, sin x और प्लस c, तो इस तरह से हम integration by part का formula का यूज करेंगे जो सामने दिख रहा है, सुनिएगा बाबू, और x log x into dx, x log x into dx, x log x into dx, ठीक है, तो इसका condition क्या है, एक काम कर सकते हैं कि पहले ही देखिए यहां पे x लिखा हुआ log x लिखा हुआ है, x को अलजेब्रिक बोलते हैं और log x को लॉगरिथमिक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, तो पहले कौन आता है, पहले log आता है, तो जो पहले आता है उसको u मानेंगे, तो यहां पे log x को l पहले आ रहा है ना, तो log x को हम मान लेंगे u, तो क्या माना गया, u मान लिया गया, ठीक है, अब इसके बाद x अलजेब्रिक है, इसको क्या मान लेंगे, अलजेब्रिक को यहां पे मान लेंगे क्या, v मान लेंगे, क्या मान लिया, भी मान लिया, देखिए जिन विद्यार्थी को एकदम समझ नहीं आ रहा है वो विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देखेंगे एकदम परफेक्ट समझ आएगा, तो u हो गया log x और v हो गया x, क्योंकि देखिए लॉगरिथमिक पहले है और अलजेब्रिक बाद में है, यानी l पहले है और a बाद में है, इसीलिए जो है इसके तहत उसी को u और v माना जाता है, अब देखिएगा यहां पे फार्मूला, यहां पे u के स्थान पर log x पुट होगा और v के स्थान पर क्या होगा, x हो जाएगा, u के साथ पर log x और v के साथ पर x, बाकी सब सही रह जाएगा, देखिए कैसे करते हैं, क्लियर है, अब इसके बाद जब देखिएगा ये log x है तो log x है, log x है तो log x है, लेकिन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, क्लियर, अब इसके बाद जब देखिएगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और ये वाला dx रह जाएगा, क्लियर है, तो देखिएगा ये जो पार्ट लिखा हुआ है जो सभी विद्यार्थी सही बता रहे थे वो देख लीजिएगा, ये 2 है, ये 2 कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर कट गया और कटेगा x, ठीक है, अब यहां पे x का जो इंटीग्रेशन हुआ जरा देखिएगा इसमें क्या होगा, x का इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से जरा देख लीजिएगा, x स्क्वायर log x by 2 और 1 by 2 तो पहले से है और x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, हां वेरी गुड प्रियंका सही है, x स्क्वायर by 2 और प्लस c, ये रहा अबाउट कंप्लीट आंसर, ज्यादा ज्यादा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जो भी आंसर है वो क्लियर आ जाएगा, तो देख लिए ये कंप्लीट आंसर सभी को किया है, देखिएगा यहां पे x है e के पावर 2x है, तो यहां x अलजेब्रिक है, e के पावर 2x एक्सपोनेंशियल है, तो पहले कौन आता है, तो पहले तो अलजेब्रिक आ रहा है उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, तो ये इसको u मान लेंगे और इसको को v मान लेंगे, u into v, देखिएगा सामने फार्मूला है, देखिएगा u हो गया v हो गया, ध्यान से देखिएगा ना तो दिक्कत हो ही गई नहीं, क्योंकि टर्म बहुत
बहुत ईजी है और जो समझा रहे हैं वो और ईजी है, इससे बढ़िया चीज कुछ हो ही नहीं सकता। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो एक्स है तो एक्स है, लेकिन e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, लेकिन उसका कोफिशिएंट इंटीग्रेशन का क्या हुआ 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से देखेंगे क्या कि x है तो x का तो डिफरेंशिएशन x 1 हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, लेकिन कोफिशिएंट यहां पे 2 है, यानी 2x / 2 और ये dx, ये कांस्टेंट पार्ट तो बाहर हो जाएगा। और पुनः e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, लेकिन कोफिशिएंट 2 और प्लस c, कॉमन भी कर सकते हैं ना, तो कॉमन कर लीजिएगा, जिसको कॉमन आता है तो कॉमन कर सकते हैं, e के पावर 2x / 2 भी कॉमन कर सकते हैं, बचेगा x - 1 / 2 प्लस c, इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लिए कॉमन जो मैंने किया, ये सभी को समझ आ गया, कोई डाउट नहीं ना। जैसा मैं पार्ट से प्रत्येक साल पूछता है, पूछेगा x sec x dx, तो जो पहला कंडीशन है यहां पे पहला देखिएगा, ये x मेरा अलजेब्रिक है और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले कौन आता, पहले अलजेब्रिक आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, जो पहले आता है उसको ही मानेंगे, इसके सहायता से जो पहले आता है दिखावट से नहीं, इसके सहायता से पहले आता है u और ये क्या हो गया v, u into v देखिएगा, तो x सभी विद्यार्थी मिला लेंगे और पूरा कंडीशन थोड़ा सा देख लेंगे, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और dx का यानी x कंडीशन 1 sec स्क्वायर का tan x। क्लियर? आप फिर देखिएगा, फिर यहां पे इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan x का इंटीग्रेशन क्या हुआ log sec x, परफेक्ट जानकारी मिल चुका है, आप सभी विद्यार्थी सीख चुके हैं, आप प्रोसेस को थोड़ा चेंज किया जाए। इसमें देखिएगा इंटीग्रेशन के समय में एक चीज हम बताए होंगे कि जब दो पार्ट में रहेगा इस तरह का और पहले भी, तो दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अब दो से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है ये भी जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, देखिएगा मैंने क्या किया है कि दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, देख रहे हैं ना, अब दो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन क्यों किया, एक फॉर्मूला सेट करने के लिए, देखिए यहां एक फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 sin a * sin b का एक फॉर्मूला होता है cos a - b, देखिए क्या होता है cos a - b - cos a + b, देख लीजिए फॉर्मूला बेहतरीन है, समझना और भी इजी है। तो यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं, एक सेक्स है और 2 sin a * sin b का यही फॉर्म होता है, 2 sin a * sin b का यही फॉर्म होता है, थोड़ा देख लीजिएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा कि 2 sin a * sin b का फॉर्मूला cos a - b यानी 2x - x - cos a + b यानी 2x + x, फॉर्मूला में कहीं गड़बड़ होगा तो बोल सकते हैं, ठीक है, और बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करवाना है, 2 इंटीग्रेशन x और यहाँ पे cos x और इसको ऐड करके cos 3x और ये dx, अब देखिए क्या करेंगे कि x cos x इसमें भी और x cos 3x इसमें भी, और दोनों में अलग इंटीग्रेशन आ देंगे, तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, 1/2 तो है, 1/2 है, अब इसमें प्रत्येक में अलग अलग लगाते हैं इंटीग्रेशन, क्लियर है, अब तो यहां तक कंफर्म हो गया, अब इसका जरा देखिए एक एक करके जरा यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करते, देखिए u into v x
को u और इसको क्या मान लेंगे v मान लेंगे, तो u v का पोजीशन सेट करेंगे जो सामने है, x अलजेब्रिक है और cos क्या ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो u v का फॉर्म सेट करते हैं। देखिएगा एक पार्ट तो मैंने कर दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद एक तो पार्ट हो गया माइनस, अब इसका पहला पार्ट तो मैंने कर दिया, अब दूसरा पार्ट कर देखिएगा इसका u v का भी होगा ना, तो इसका क्या करेंगे x है cos 3x dx माइनस फिर देखिएगा x dx और फिर देखिए आप cos 3x dx, क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कहीं जो है थोड़ा कट रहा हो। देखिए लास्ट पोजीशन में क्या है, ये x है और ये हो गया sin x हो गया और sin का माइनस cos, माइनस माइनस प्लस, परफेक्ट डायरेक्ट, और यहां की तो ये फिक्स हो जाएगा माइनस और साइन का माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस 3x और एक 3 पहले से है, एक और आ गया, वेरी गुड बढ़िया, यहां पे 9 हो जाएगा प्लस c, क्लियर, एक कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, ज्यादा इसको ब्रैकेट पर रख करके माइनस से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, यही हो गया आंसर। तो समझ में आ गया सभी विद्यार्थी को, कुछ आया इसका प्रक्रिया देख लीजिएगा ताकि जो है ना विद्यार्थी सीख सके। आज मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल भी किया। इसी तरह से ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो विद्यार्थी लाइव क्लासेस कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट करके लाइव क्लास कीजिए और प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक का डिटेल जानकारी प्राप्त कीजिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और भी प्रैक्टिस के साथ बताएंगे, जब तक के लिए आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मेहनत करते रहिए और आगे कंपटीशन लाइव बन जाएगी।